दो दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामघाट पर पूजन अर्चन कर मां शिप्रा को चुनरी अर्पण की। समापन कार्यक्रम में भाजपा के महासचिव कैलाश विरगी और इंदौर महापौर भी शामिल हुए। सीएम ने प्रदेश में हरियाली अमावस्या तक 5.5 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है। उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए लागत से पूरे प्रदेश के मंदिरों में कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशहरा पर्व और दो दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन अवसर पर पत्नी संग मां शिप्रा की विधि विधान से पूजा अर्चना आरती की और मां शिप्रा के रामघाट पर दोनों तटों से 350 फीट की दो चुनरी अर्पण की। वहीं इस दौरान प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश जर्गी सहित जनप्रतिनिधि गण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस अवसर पर मां शिप्रा के जयकारों से पावन रामघाट गुंजायमान हो रहा था। पंडित गौरव उपाध्याय और उनके दल द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रामचरितमानस एवं बाबा महाकाल का चित्र भेंट किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस अवसर पर नारदीय कीर्तन एवं श्री हरि कथा के माध्यम से श्रीनाथ परंपरा के प्रचार प्रसार के अद्वितीय प्रयासों के लिए संत श्री बालकृष्ण वासुदेव नाथ टोली बुवा महाराज का सम्मान किया गया। इसी तरह ग्राम निनोरा की श्रीमती सीताबाई, जिन्होंने जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की 5 बीघा भूमि बेचकर ग्राम निनोरा में शिप्रा नदी किनारे घाट निर्माण कार्य किया, जिन्हें आज मन से सम्मान किया गया। इस तरह शिप्रा मैया एवं मानव सेवा करने के लिए दीपक कहार को भी सम्मानित किया गया। बैठे रहना भैया, अरे शर्मा जी, जल रचनाओं के अलग अलग प्रकार के हर स्थान पर लाइव प्रसारण से उनने अपने इस पखवाड़े का आज समापन भी किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने आह्वान किया है कि जो जल रचनाओं के निर्माण के विविध काम हैं उन कामों को लगातार करते रहना है। जन अभियान का हमारा एक पड़ाव पूरा हुआ है, अभी ये अंत नहीं हुआ है। जल रचनाओं को लेकर पूरे देश में एक जन जागृति का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों की बधाई। इस अवसर पर हमारे अपने स्थानीय शासन मंत्री माननीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ग्रामीण विकास के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ग्रामीण क्षेत्र में लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग करते रहे हैं, वो उद्यम स्थानों पर भी गए हैं। हमारे सारे मंत्रीगण, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी ने मिल करके इस पूरे अभियान को अपने अपने क्षेत्र में मैदान में नीचे उतारने का प्रयास किया। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये जन जागृति का अभियान लगातार चलाते रहें। प्रदेश स्तर पर लगभग 4,000 करोड़ की अलग अलग मंजूरियां हमने दी है। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद भी जब हमारा सेकंड अभियान वृक्षारोपण पौधारोपण का चालू होगा, जो आगे जाकर वृक्ष बनेंगे, जिसमें 5.5 करोड़ का लक्ष्य हमने लिया। इसमें अकेले इंदौर ने 51 लाख का लिया है। ये पूरे प्रदेश में पहले जल, फिर पौधे, प्रकृति से जुड़े हुए सभी आयामों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है हम उसको पूरा करेंगे। विकास के सभी आयामों पर दृष्टि रखते हुए प्रकृति को भी सहेजने का काम हम लगातार जारी रखेंगे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।